नागपुर शहर के साइबर विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन फ्रॉड शिकार हुए एक फिरियादी को उसने गवाए पैसे वापस दिला दिए। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ महीनों पहले साइबर विभाग ने जुबैर खान नामक व्यक्ति ने ऑनलाइन फ्रॉड होने की शिकायत की थी। जुबैर को उनके इंस्टाग्राम पर एक लिंक आई थी जिसमें रिव्यू देना था। जुबैर को इसमें दिलचस्पी आई और उसने इसमें 5 लाख रुपए से ज्यादा की रकम निवेश की, मगर जुबैर को इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ, जिससे जुबैर को फ्रॉड होने का पता चला। शिकायत मिलने के बाद साइबर विभाग इसके जांच में जुट गई और जुबैर को आए लिंक की जांच करने पर साइबर विभाग ने वो अकाउंट फ्रीज कर दिया। अकाउंट फ्रीज करते ही फिरियादी के पूरे पैसे वापस मिल गए। साइबर पुलिस थाना नागपुर यहाँ पे जुनेद एम खान ये फिरियादी ने कंप्लेंट की थी 6 महीने में, और उनको एक इंस्टाग्राम पे लिंक आई थी और वो लिंक ओपन करने पे व्हाट्सएप पे गए, उबेर इट्स ऑनलाइन एजेंट प्लेटफॉर्म करके वो लिंक थी, उसमें वो उबेर इट्स को प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने के लिए वो रिव्यू देना और एक प्रकार का टास्क था। फिरियादी ने उनमें इंटरेस्ट दिखाया और बाद में उन्होंने अपने 5,96,000 ये पूरे उन्होंने इन्वेस्ट किए थोड़े थोड़े करके, तो बाद में उनको उसका कुछ रिफंड नहीं मिला, तो उनको पता चला कि अपने साथ फ्रॉड हुआ है करके, तब उन्होंने साइबर थाने में कंप्लेंट दी है। हमारे यहाँ के एपीआई भिसे साहब ने उनमें तत्परता दिखा के बैंकों को ईमेल किए और जो फ्रॉडस्टर के अकाउंट थे वो फ्रीज कर दिए। फ्रीज तुरंत होने के कारण उसमें एक बड़ी अमाउंट थी और बाद में माननीय न्यायालय ने वो आदेश दिया और पूरी रकम फिरियादी को वापस मिल गई है, उसमें हम सक्सेस मिला है। आरोपी के बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, आउट ऑफ महाराष्ट्र ही है, दिल्ली और बाहर के कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है, उसके बारे में हम हमारी टीम भेज के अगला तपस कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।